दुनियाई क्रिकेट में हिंदुस्तान का किरदार एक बदमाश जैसा है और इस बदमाशी की सबसे बड़ी मिसाल है इस साल का होने वाला एशिया कप जिसके चंद मैच पाकिस्तान में खेले गए और बाकी बेशर मैच श्रीलंका में खेले गए अब ये एक ऐसा टूर्नामेंट था जिसकी मेज़बानी मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान ने करनी थी मगर चूंकि हिंदुस्तान के बोर्ड ने यह कहा कि उनके प्लेयर्स पाकिस्तान खेलने के लिए ट्रैवल नहीं करेंगे तो इस टूर्नामेंट की मेजबानी को श्रीलंका और पाकिस्तान के दरमियान बांट दिया गया अब ऐसा क्यों है कि हिंदुस्तान जैसा कहता है उसी तरह दुनिया के तमाम क्रिकेट बोर्ड करते हैं वजह है पैसा हिंदुस्तान का बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया बी दुनिया का अमीर तरीन क्रिकेट बोर्ड है और वो इस फाइनेंशियल मसल को पॉलिटिकल वजूहात के लिए इस्तेमाल करते हुए शर्माता नहीं है इस साल के एशिया कप में क्या हुआ आई देखें देखें जी सबसे पहले समझने वाली चीज़ है कि क्रिकेट में पैसा कैसे बनता है अब मुख्तलिफ़ क्रिकेट बोर्ड जो होते हैं आपस में ये डिसाइड करते हैं कि वो एक दूसरे के साथ क्रिकेट खेलेंगे रेवेन्यू के कुछ स्ट्रीम्स होते हैं जिनमें से मिसाल के तौर पे गेट रिसीट्स यानी कि जो टिकटों की सेल होती है वो हो जाती है इसके अलावा सबसे बड़ा होता है ब्रॉडकास्टिंग राइट्स यानी कि जो टेलीविजन पे नशर किया जाता है मैच उसके पैसे क्रिकेट बोर्ड बनाता है और साथ साथ में मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग और भी बहुत से रेवेन्यू स्ट्रीम्स होते हैं मगर ब्रॉडकास्टिंग राइट्स और गेट रिसीट्स की इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो मेजबान मुल्क होता है क्रिकेट मैच का वो पैसे उसका क्रिकेट बोर्ड कमाता है यानी कि अगर पाकिस्तान में मैच हो रहा होगा तो पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड को उस मैच के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के पैसे वसूल होंगे और इस तरह से ये चीज़ काम करती है कि अगर पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलिया खेलने आए तो उस सीरीज के ब्रॉडकास्टिंग राइट से पैसे पाकिस्तान कमाएगा और उसके बाद पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया जाके मैच खेलेगा और जो वहाँ पे ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के पैसे होंगे वो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ले लेगा ले अब हर मुल्क को कुछ टाइम के बाद एक ऐसा मौका मिलता है कि वो ढेर सारे पैसे कमाए वो होता है इन द फॉर्म ऑफ बड़े बड़े टूर्नामेंट्स वर्ल्ड कप हो गया एशिया कप हो गया चैम्पियंस ट्रॉफी हो गई टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप हो गया सा मुल्क इन वर्ल्ड कप्स को होस्ट करता है वो उस साल अच्छी खासी रकम बनाता है मगर पाकिस्तान की बदकिस्मती यह है कि क्योंकि यहाँ पे क्रिकेट होस्ट नहीं किया जाता तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास रेवेन्यू के स्ट्रीम्स कम हो जाते हैं जब तक पाकिस्तान के मैचेस दुबई में हो रहे थे तब तक ब्रॉडकास्टिंग राइट्स तो मिलती थी लेकिन स्टेडियम का रेंट भी देना पड़ता था और और अखराजात इतने होते थे कि मुनाफा नहीं बन पाता जब से पाकिस्तान ने एक बार फिर क्रिकेट होस्ट करना शुरू किया है हमारे पास फाइनली ये मौका आया है कि हम हर पे डायरेक्टली अपने ब्रॉडकास्टिंग राइट से पैसे कमा सकें पी एस एल में भी ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ़ डॉलर्स के कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं साथ साथ में होम सीरीज़ के भी बड़ी बड़ी टीमों के साथ मैचेस के अच्छे खासे पैसे बन जाते हैं पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका सब रिसेंट टाइम्स में खेलने आए हैं लेकिन मसला ये है कि इंडिया खेलने नहीं आता और सबसे ज़्यादा पैसे दुनियाई क्रिकेट में इंडिया से खेलने में ही बनते हैं चूँकि इंडिया की टेलीविजन ऑडियंस इतनी बड़ी है ब्रॉडकास्टर्स ज़्यादा पैसे देने को तैयार भी हो पाते हैं। अब इसके अंदर समझने की ये ज़रूरत है कि इंडिया दुनियाई क्रिकेट में बहुत ही बड़ी शे है आप सिर्फ इससे अंदाज़ा लगाएं कि इंडिया का जो इंडियन प्रीमियर लीग है उसके टेलीविजन के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स पिछले साल छः अरब डॉलर के बिके हैं सिर्फ एक तीन साल के पीरियड के लिए यानी कि एक साल के आई के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स और अभी इसमें डिजिटल ब्रॉडकास्टिंग इंक्लूडेड नहीं है दो अरब डॉलर्स के मुतरद थे और इसके अलावा जब बाकी ममालिक इंडिया से क्रिकेट खेलते हैं तो उनको भी उससे बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस या फाइनेंशियल सक्सेस होता है साउथ अफ्रीका और इंडिया की जो साउथ अफ्रीका के अंदर 10 मैच की एक सीरीज हुई थी उससे साउथ अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड ने 80 मिलियन डॉलर कमाए थे और पिछले से पिछले साल जब इंडिया ने इंग्लैंड के खिलाफ एक टेस्ट मैच सिर्फ एक टेस्ट मैच खेलने से इनकार कर दिया था उनके क्रिकेट बोर्ड को लगभग फोर्टीन मिलियन पाउंडस का नुकसान हुआ था अब क्योंकि इंडिया के पास इतना ज़्यादा पैसा है और बाकी क्रिकेट बोर्ड्स भी इस पैसे पे डिपेंड करते हैं जब इंडिया कोई कानूनी हरकत भी करना चाहे तब भी बाकी क्रिकेट बोर्ड कुछ भी नहीं बोलते इसके बारे में मिसाल के तौर पे पाकिस्तान का हक बनता था कि इस साल का एशिया कप मुकम्मल तौर पर होम एडवाटेज के साथ पाकिस्तान में खेला जाए मगर क्योंकि इंडिया बाकी ममालिक के साथ बदमाशी करके उनको फोर्स करके अपनी बात मनवा सकता है इसलिए आधा श्रीलंका में हुआ और आधा पाकिस्तान में मगर इस चुप रहने ने पिछले दिनों में आकर इन्हीं क्रिकेट बोर्ड्स को एक बार फिर डस लिया है इस दफ़ा पाकिस्तान और इंडिया का एशिया कप के सुपर फोर स्टेज में जो मैच हुआ उसके लिए एशियन क्रिकेट काउंसिल ने फैसला किया कि एक रिज़र्व डे रखा जाएगा यानी कि अगर खुदा खास्ता बारिश हो गई जो कि हुई तो एक एक्स्ट्रा दिन रखा जाएगा जिसके अंदर मैच मुकम्मल किया जाएगा अब यह बाकी टीम्स को एक डिसएडवांटेज देता है क्योंकि बाकी टीम्स के पास रिजर्व डे नहीं है तो अगर उनका मैच वॉश आउट हो जाए तो फिर वो ऑटोमेटिकली डिस्कालीफाई हो जाएंगे और पाकिस्तान और इंडिया में से जो भी वो मैच जीता होगा आगे फाइनल में प्रोसीड कर जाएगा अब इस बात पर ना बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ना श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने कोई एहत किया क्योंकि एक बार फिर वो भारत के पैसे से ढरे हुए थे समझने वाली बात यह है कि पाकिस्तान और भारत के मुकाबले से बहुत ज़्यादा पैसा बनाया जा सकता है हर दफ़ा जब पाकिस्तान और भारत का कोई टाकरा होता है अरबों लोग टी वी आके वो मैच देखा करते हैं भारत की बहुत बड़ी टेलीविज़न ऑडियंस है और पाकिस्तान की भी कोई छोटी मोटी नहीं है मगर क्योंकि भारत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ खेलना नहीं चाहता बायलैटरल सीरीज़ नहीं करता यानी कि भारत पाकिस्तान नहीं आता और पाकिस्तान अब भारत नहीं जाता इस वजह से इन्हें ढूंढने पड़ते हैं एक्सक्यूस के पाकिस्तान को खेल पाएँ सिर्फ वर्ल्ड कप में टी वर्ल्ड कप में एशिया कप में इस साल के एशिया कप में तो बल्कि पहले से ही कहा जा रहा था कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के तीन मैच होंगे एक पहले स्टेज में एक ग्रुप स्टेज में और एक फ़ाइनल में यानी कि चाह वो ये रहे थे कि इसी बहाने पाकिस्तान और इंडिया की एक बायलैटरल सीरीज हो जाए मगर हो नहीं पाई क्योंकि अब श्रीलंका फाइनल में पहुँच गया है पाकिस्तान और भारत के मुकाबले भी बहुत कांटेदार होते हैं अगर इनको ज़्यादा खेला जाए तो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है मगर उसके लिए भारतीय क्रिकेट बोर्ड को ज़रूरी होगा कि वो पाकिस्तान में आके भी खेलें ताकि हमारे क्रिकेटर्स और हमारे क्रिकेट बोर्ड को भी वो माली मुनाफ़ा हो पाए मगर इसके लिए ज़रूरी होगा कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों के क्रिकेट बोर्ड डीपोलिटिसाइज़ किए जाए भारत ने भी बी सी सी आई के चेयरमैन जो कि एशिया कप के सेक्रट्री भी हैं जे शाह इंडिया के होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर मोदी के राइट हैंड मैन अमित शाह के बेटे हैं और पाकिस्तान में भी चेयरमैन जो होता है क्रिकेट बोर्ड का वो वज़ी अजम अपॉइंट करता है क्योंकि वज़़ी अजम क्रिकेट बोर्ड का इन चीफ़ होता है उसूलन क्रिकेट बोर्ड्स को ऐसे चलना चाहिए कि प्लेयर्स के यूनियंस बने हुए हों और वो यूनियंस बाकी स्टेक होल्डर से अग्री करके इलेक्शंस करवा के फिर क्रिकेट बोर्ड में आए और उसके बाद क्रिकेट की मैनेजमेंट की जाए जब तक पाकिस्तान और इंडिया के बोर्ड दोनों सियासत से पाक नहीं होंगे तब तक ये बहुत बड़ी फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी भी स्कॉन्डर होती रहेगी और मख्तलिफ जो क्रिकेट देखने वाले शायक हैं वो भी एक बहुत बड़ी राइवलरी से महरूम रहेंगे